हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जो कि आज टॉपिक होने वाला है वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आने वाले टाइम पे इसमें फ्यूचर बना सकते हैं आप। अभी आपका रूरल हो या अर्बन हो, हर जगह वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। घर घर में कनेक्शन देना है, मेन फोकस किया जा रहा है आपका हाउस सर्विस कनेक्शंस पे, जो आपको घर घर में टैप कनेक्शंस होते हैं उस पर। तो आप फ्रेशर्स हों या एक्सपीरियंस हों, आप ये वीडियो वॉच करिए, आपके बहुत ही काम आएंगी ये वीडियोस। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक वाटर सप्लाई, ये जो आपको दिख रहा है डब्ल्यू ट्रीटमेंट प्लांट का, ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ आपका इनटेक के बाद पानी एंटर होता है। ये होता है कैस्केड एरिया का। ये पानी झरने जैसा क्यों गिराते हैं, इससे क्या बेनिफिट है कि आपको सबसे पहले तो ऑडर रिलीज़ हो जाएगी, जो उसकी स्मेल्स होती हैं वो रिलीज़ हो जाएगी क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा। एंड सेकंड थिंग कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज कर देगा आयरन एंड मैग्नीशियम को, तो आपका जो DI पाइप है कोरोजन से भी आप बच सकते हैं। आइए अब देखते हैं, ये है चैनल। यहाँ से कैस्केड एरिएटर के बाद पानी यहाँ से जाता है, इसको हम रॉ वाटर चैनल बोलते हैं। और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पार्शियल फ्लूम है। यहाँ से वाटर मेज़र किया जाता है कितना पानी आपका कैस्केड से आगे बढ़ रहा है। अब हम चलते हैं रॉ वाटर चैनल से, और ये पानी आपका चलते चलते चैनल के थ्रू फ्लैश मिक्सचर में जाएगा। यहाँ दो फ्लैश मिक्सचर दिए गए हैं इस प्लांट में। ये काफ़ी बड़ा MLD का प्लांट है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ये जो MLD होते हैं, जितने भी वाटर सप्लाई के टर्म्स होती हैं छोटी छोटी, उसकी डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, ये है फ्लैश मिक्सचर। यहाँ पर अपन LM की डोजिंग करते हैं, LM यहाँ दी जाती है, तो यहाँ LM मिक्स होती है पानी में और उसका डोज निकल के आता है टर्बिडिटी से। टर्बिडिटी पे डिपेंड करता है कि आपको LM का कितना डोज देना है पानी को। फिर आपका पानी जाएगा CLF में, क्लैरीफ्लॉकुलेटर में। क्लैरीफ्लॉकुलेटर में क्या होता है कि आपका क्लैरीफ्लॉकुलेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो चीज़ों को कंबाइन करके बनाया गया है, एक क्लैरीफायर और एक फ्लॉकुलेटर। इन दोनों को कंबाइन करके क्लैरीफ्लॉकुलेटर। इसमें प्रोसेस क्या होती है, सेटलमेंट होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स का, और LM क्या करती है कि उसके पार्टिकल को भारी कर देती है और वो नीचे एज अ स्लज नीचे बैठ जाती है। और जो पानी प्योर होता जाता है जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड से, तो वो पानी ऊपर आके चैनल के थ्रू क्लियर वाटर चैनल में जाने लगता है। इसके बाद आपका पानी फिल्टर बेड पे जाएगा, फिल्टर बेड पे जाने के बाद आपका क्लोरीन रूम में जाएगा, उधर क्लोरीनेशन होगा, एंड देन आपका क्लियर वाटर सम्प में स्टोर हो जाएगा और रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज़। आप डायरेक्ट उसको पंप करें, OSTs तक पहुँचाएँ या मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर पे, और उसको आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, इस तरीके की वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें। आने वाली वीडियो आपको मिलेगी जो टर्म्स होती हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वाटर सप्लाई के, उनके बारे में।